हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश। आज का जो टॉपिक है वो एक आईक्यू एनालिसिस पे है। 29th को जो है आपको यूजर को जो है तीन तीन आईक्यू लाइन अप है, उसमें जो है एक एक लिखिता करके है, एक आपको लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा मजगांव डॉक, तीसरा यूटीआई। तो आज जिस पे एनालिसिस कर रहे हैं वो मजगांव डॉक शिपयार्ड है, उसका आईपीओ का एनालिसिस करेंगे और आने वाले समय में और बाकी जो बैलेंस है उसका भी करेंगे। और इस पे मैंने एक लाइव भी एक वीडियो बनाया है और उस पे हमने क्वेश्चन किया, तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। वो अभी अंडर प्रोसेसिंग है, वो आ जाएगा कुछ देर में। इस वीडियो में जो है हम सारे पॉइंट्स को हमने कवर करेंगे, इनके पीएस के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपनी में क्या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है, हमें लॉन्ग टर्म में कैसा टर्म मिलेगा, आईपीओ को डिटेल्स क्या है, ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम है, आपको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, और हमारे जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप एंड तक देखें, काफी यूजफुल कंटेंट है। चलिए, तो मजगांव डॉक के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ क्या क्या करती है। मजगांव डॉक जो है मतलब कि इंडिया के लीडिंग डिफेंस सेक्टर में आती है, जो कि शिपयार्ड कंपनी है, शिप बिल्डिंग में जो है इनका है, शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर में इनका जो है मेन जो है बिजनेस है। तो मतलब कि कंस्ट्रक्टिंग एंड रिपेयरिंग वारशिप सबमरीन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए जो है वो वारशिप एंड सबमरीन को जो है कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर करती है। बोलते हैं कि ये जो कंपनी है ओनली शिपयार्ड कंपनी है जो बिल्ड करती है डिस्ट्रॉयर एंड कन्वेंशनल सबमरीन, जो कि इंडियन नेवी में यूज किया जाता है। इनके दो की ऑपरेशंस ऑपरेटिंग डिवीजन है, शिप बिल्डिंग डिवीजन और रिपेयरिंग और नेवल सेल्स। अभी तक जो है 2020 तक उन्होंने जो है 795 वेसल्स बनाए हैं, जिसमें 25 वॉरशिप्स है, 4 मिसाइल्स हैं, 3 सबमरीन है। कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, कंपनी जो है एक डिफेंस में जो है शिप मरीन में लीडिंग कंपनी है। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वर्ल्ड क्लास, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ पे मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जब मैं वर्किंग था तो ये हमारा एक वन ऑफ द मेजर क्लाइंट हुआ करता था, और वहां पे मैं गया भी था। तो काफी एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ा ऑर्डर बुक है उनका, कंपनी अच्छी है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है एंड फाइनेंशियल पोजीशंस है। यदि इनके हम अर्निंग को चेक करते हैं तो अर्निंग में दिख जाएगा कि कंपनी जो है रेवेन्यू जो है ये सब मिलियंस में है। तो 42,000 मिलियन से लेके 50, 52 एंड 55 तक रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी उस रेट से नहीं ग्रो कर रहा है लेकिन स्टेबल है। तो 5900 मिलियन, 49 थोड़ा सा फॉल हुआ है इसमें, फिर से पिकअप किया है, और इसमें थोड़ा सा फॉल दिख रहा है 4700 मिलियन। तो हो सकता है कि COVID-19 में थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ होगा, बिजनेस जो है स्टॉप हो गई होगी इम्पैक्ट। तो मतलब कि इसमें ऐसा ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग नहीं दिख रहा है लेकिन स्टेबल दिखता है। कंपनी का डिटेल क्या है, तो कंपनी का डिटेल है कि ये आपको 29 से लेके 1 अक्टूबर तक जो है वो कंपनी जो है अपना जो है आईपीओ लेके आ रही है। उसमें आपको जो है सुबह 10 से लेके शाम के 5 बजे तक आपको बिड करना है। ये एक जो है छोटे साइज का है, 443 करोड़ का जो है इनका टारगेट है, इतना पैसा इकट्ठा करना है, और ये प्योर ऑफर फॉर सेल है। तो जो गवर्नमेंट का जो एजेंडा है डाइवेस्टमेंट का, वो जो गवर्नमेंट फुलफिल कर रही है। तो 15% स्टेक जो है कंपनी बेच रही है, तो प्रमोटर का जो हिस्सेदारी हो जाएगा इसके बाद 85% पा जाएगा। तो कंपनी जो है ये प्राइस बैंड है 135 से 145। जब भी आप बिट करते हैं तो इंश्योर करें कि आप कट ऑफ प्राइस पर क्लिक करके जो है, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्शन ना हो। आप 103 जो है शेयर के आपको लॉट से जाएगा, इसी के मल्टीपल में आप कर सकते हैं। एक आईपीओ जो है आपको 14,935 का आ जाएगा, और यदि आपको मल्टीपल लॉट लेने हैं तो आप रिटेल के अंदर 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2 लाख के अंदर आएगा। और ये इसका इम्पोर्टेंट डेट है, जो 8th जो है, 8th को आपको रिजल्ट आउट हो जाएगा, आपको मिला नहीं मिला, और नहीं मिला तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। और 12th अक्टूबर को जो है इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। ये हो गया, क्विक डिटेल हो गया। अभी हम देखते हैं कि कंपनी के पीयर्स क्या करते हैं। तो यदि हम पीयर्स जो है, दो मेन पीयर्स है, आप देखो कि इस आप यदि शिप बिल्डिंग में देखें तो ये दी जाता कंपनी जिसमें आपको जो है नंबर वन पे मार्केट कैप से कोचिन शिपयार्ड, सेकंड में गार्डन, ये दो मेन पीयर्स है। और बाकी जो जितने भी है, जितने जो भी प्राइवेट है, तो सबका जो है फंडामेंटल्स काफी वीक है। दो ही कंपनी जो है आपको यहाँ पे सर्वाइव करते दिख रही है। तो आपको सेक्टर का थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि किस तरह से सेक्टर में जो रुझान है। तो यदि सेक्टर कॉम्पिटिटिव होता है तो ग्रोथ की प्रॉस्पेक्ट दिखती है, तो उसमें भी हमें जो है मतलब कि जो सिमिलर कंपनी आती है उसमें भी हम सिमिलर प्रॉस्पेक्ट करते हैं। तो इस कंपनी में जो है आपको जिस तरह से वो हैप्पीएस्ट माइंड आया था, कैमकॉन आया था,
उस तरह से आप उतना गंग होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको डिसेंट मिल सकता है रिटर्न, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। तो पहले हम देखते हैं कि इनके पीरस कैसे परफॉर्म करती है। तो इसमें पीरस में है जो कोचिन शिपयार्ड है, तो कोचिन शिपयार्ड का भी आईपीओ आया था, तो कोचिन शिपयार्ड का आईपीओ काफी हिट हुआ था, 76 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और आपको लिस्टिंग गेन भी मिला था, ठीक है। ये 432 का था, और यदि आप कोचिन शिपयार्ड को देखो तो ये कितने प्लेस हो गया था। ये कंपनी आपको जो है 440 पे जो है लिस्ट हुआ था, हाँ कोचिन शिपयार्ड जो 440 पे हुआ था, आपको सेम प्राइस पे हुआ था, लेकिन उसके बाद जो उसका जो प्राइस एप्रिसिएशन हुआ था वो अच्छा खासा हुआ था, वो स्टॉक 580 तक गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है इसमें फॉल आई है। तो इस कंपनी में कैसा होता है कि ऑर्डर बुक तो अच्छे होते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है ऑर्डर एग्जीक्यूशन, कितना टाइमली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ऑर्डर बुक का दिक्कत नहीं आती है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन में दिक्कत है, जैसे कोविड-19 में बिजनेस ठप हो गया है, रुक गया है, या और बहुत सारे होते हैं जिसके कारण जो है प्रोजेक्ट होल्ड हो जाता है, इसमें काफी टाइम लग जाता है। तो जब तक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती है ऑन हैंड, तब तक जो है इन्वेस्टर्स से थोड़ा सा छिटकते रहते हैं। ऐसे कोचिंग शिपयार्ड की यदि फंडामेंटल देखा जाए तो कोचिंग शिपयार्ड का फंडामेंटल अच्छा है, लेकिन अभी जो है वो स्टॉक में फॉल दिख रही है आपको। तो आप देखो जो है 16 से 18% का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन अभी जो प्राइस का जो परफॉर्मेंस है वो सब डाउन है। यदि आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो इस तरह के सिनेरियो आपको भी देखना पड़ सकता है। गार्डन रिच में क्या होता है कि इसमें जो है डिमांड नहीं आई थी, गार्डन रिच की जो शिप बिल्डिंग को देखेंगे जीआरसी का, तो सब्सक्रिप्शन उसमें नहीं आया था, वो जो है आपको बस ओनली वन टाइम सब्सक्राइब हुआ था। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आप किस समय पे आया था, मार्केट का सिनेरियो क्या था, कितना वैल्यूएशन रहा है, कंपनी का ऑर्डर बुक क्या है। तो कंपनी की उस समय जो है अर्निंग जो है डाउनफॉल में थी, कंपनी जो है अर्निंग कंसिस्टेंट नहीं बना रही थी, इसलिए उसमें उतना रुझान नहीं आया। लेकिन इस आप इसमें देख सकते हैं जीआरसी में जो है अर्निंग डाउनफॉल में था, इस कंपनी में थोड़ा सा अर्निंग स्टेबल है, लेकिन ऐसा बहुत ही ग्रोइंग नहीं दिख रहा है। तो जीआरसी का फंडामेंटल देखें तो जीआरसी जो है तो अभी सेकंड जो है मार्केट कैप में सेकंड में आती है। इस कंपनी की जो अभी ज्यादा डिटेल नहीं है, आपके पास 1 साल का दिख रहा है। और यदि स्टॉक की प्राइस को देखा जाए जीआरसी का, तो जीआरसी का स्टॉक का प्राइस ही परफॉर्मेंस दिख रहा है अभी जो है। जीआरसी का प्राइस थोड़ा सा ट्रेंडिंग है, जीआरसी देख लेते हैं, ये स्टॉक का जो है प्राइस का परफॉर्मेंस है अभी जो ये स्टॉक जो है, उस समय डिमांड नहीं आई थी, उस समय जो लिस्टिंग के नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद उसमें रैली आई थी। तो डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, कंपनी के ऑर्डर कितने एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो ये टाइम टू टाइम आपको दे रहेगा। ये हमने सेक्टर के बारे में बताया, सेक्टर में ऐसा उतना नहीं, बहुत बहुत ही चार्मिंग सेक्टर नहीं है, लेकिन डिसेंट है, आपको जो है एक स्टेबल रिटर्न मिल सकता है। यदि इस कंपनी की यदि हम ग्रे मार्केट की बात की जाए, तो ग्रे मार्केट में इस कंपनी का जो है 80-90 चल रहा है। और ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, मतलब कि जो अनऑफिशियल मार्केट है, जहाँ पे जो डिमांड क्रिएट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग प्राइस दिखाया जाता है, तो 80-90 रुपीज रहता है। तो अभी जो स्टॉक का प्राइस कितना है, 145 में यदि हम देखें, तो मान लो कि 80 रुपीज का भी आता है, तो 80 डिवाइडेड बाय 145, ये जो है ऑलमोस्ट आपको दिखा रहा है 55% का, तो ये कम ज्यादा हो सकता है। तो आप जो है एक थोड़ा डिसेंट टारगेट के लिए चल सकते हैं, आप 30-50% का रिटर्न का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मार्केट में काफी लिक्विडिटी है, तो हो सकता है कि ज्यादा भी मिल जाए। तो मुझे लगता है कि इस आईपीओ में जो है आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है, लेकिन बहुत ही बुलिश नहीं होना है, बहुत ज्यादा लॉट क्लियर नहीं करना है, एक डिसेंट लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और यदि मार्केट में अच्छा खासा लिक्विडिटी है, मार्केट रहा, तो उससे ज्यादा भी मिल सकता है। तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए जैसे जैसे कंपनी परफॉर्म करती है उस हिसाब से करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मजगर डॉक में ही करना है। और इन सब कंपनियों में क्या होता है कि जो आप कोचिंग शिपयार्ड को देखो तो डिविडेंड यील्ड का बहुत अच्छा है, 5% का, मतलब 5% डिविडेंड यील्ड, मतलब ये हुआ कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, आपको साल में 5,000 रुपया आप जो एडिशनल अमाउंट मिल रहा है। तो इस तरह से जो है ये सब जितने भी पीएसयू कंपनी है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा होता है। गार्डन रिच 4% का है, तो मतलब कि आपको जो एक तरह से सेविंग अकाउंट की तरह जो है आपको वहां पे रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन आप जो है प्राइस मेन होता है कि आप स्टॉक मार्केट में आए तो सिर्फ डिविडेंड के लिए नहीं आते हैं, हमें प्राइस में ग्रोथ चाहिए होता है। तो प्राइस में ग्रोथ जो है तो कंपनी यहाँ से कितना परफॉर्म करेगी, कितने अच्छे से जो है रेवेन्यू जो है प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट होंगे, उस पर डिपेंड करता है। तो डिसेंट है,
एक आपको जो मिड कैप कंपनी बन के आएगी। तो हमने जो है अभी तक आपको जो है पीयर्स में बता दिया कि कोचिन जीआरसी है, तो कोचिन में जो है एक अच्छा प्राइस ऑप्शन आया था, तो इसमें भी आ सकता है। तो जो है माइल्डली आप बुलिश हो सकते हैं, पूरा बुलिश होने की जरूरत नहीं है। तो ये सब हमने आपको बता दिया, तो आप शॉर्ट टर्म के अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मैं लाइव मार्केट में किस तरह से एनालिसिस करता हूँ, तो मैं जो है हमारे कम्युनिकेशन चैनल है यहाँ पे टेलीग्राम है, जगदीश झा के नाम पे टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे जो है जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो बताते रहता हूँ किस तरह से आपको एनालाइज करना है, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ सब यहाँ बताऊंगा आपको, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप ट्विटर फॉलो कर सकते हैं। आप यदि हमें हमारी यदि अदर सर्विसेज आपको करना है, तो हमारी जो यहाँ पे फ्रंट पेज पे जो है एक पेड सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पे हमें स्टॉक को रिकमेंड करता हूँ, यहाँ पे आपको सारी हमारी सर्विसेज मिल जाएंगी। ये हमारी क्लासेस की भी है, और यहाँ पे हमारा जो है पोजिशनल ट्रेड है, जिसमें हम ज्यादा जितने भी ट्रेंडिंग स्टॉक होते हैं वो बताते हैं, तो आप वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं यदि आपको टाइम नहीं मिलता है एनालिसिस करने के लिए और हमारा आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए। तो मैं इनकरेज करूंगा कि आप सीखें, आप क्लासेस करके सीख सकते हैं। तो हमारा जो है पुणे में सेटअप है, अभी ऑनलाइन आप कहीं से भी कर सकते हैं क्लासेस, वर्ल्ड के किसी कॉर्नर से हैं तो टेक्निकल फंडामेंटल क्लासेस कर सकते हैं। उसका रिव्यू भी आपको गोल्ड मिल जाएगा, जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस रिव्यू है। और ये हमारे वीडियोज हैं, जो हमने पहले भी जो है हमने कुछ आईपीओ एनालिसिस किया था, जिसमें हमने बताया था कैम्पकॉर्न में अच्छा जाएगा, तो कैम्पकॉर्न गया भी अच्छा, और उसके बाद मैंने हमने कैम्प्स का दिया था सेकंड, थर्ड में एंजल का दिया था, उसी तरह से हुआ। इसमें भी मैं रैंकिंग कर रहा हूँ, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन आपको एक अच्छा एज मिल जाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनकरेज करें, ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। सो 100 लाइक्स आई एम एक्सपेक्टिंग, आप लाइक करें। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।